हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल LGBTQTube। LGBTQ से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, मैं बहुत दिनों से इस चैनल पे एक्टिव नहीं था, एंड किस लिए एक्टिव नहीं था, किस वजह से एक्टिव नहीं था, इस पे मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन अब मैं इस चैनल पे एक्टिव रहने वाला हूँ। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं इस वीडियो को, जिसका की टाइटल है टॉप 6 LGBTQ मूवीज एंड सीरीज जो की 2024 में इंडिया में रिलीज हुई है। इस लिस्ट में नंबर 6 पे है लिटिल हार्ट्स। लिटिल हार्ट्स को जून 2024 में रिलीज किया गया है। ये एक मलयालम मूवी है, 2 घंटे 14 मिनट की एक रोमांटिक कॉमेडी मूवी है जो कि LGBTQ थीम पे आधारित है। अगर आपको मलयालम आती है तो आप ये मूवी देख सकते हो, एंड ये अभी हिंदी में अवेलेबल नहीं है। जब ये हिंदी डब में अवेलेबल होगा तो मैं आपको बता दूंगा। तो नंबर 5 पे आता है संजय लीला भंसाली द्वारा निर्मित वेब सीरीज हीरा मंडी द डायमंड बाजार। इस सीरीज में टोटल 8 एपिसोड है और हर एपिसोड की रनिंग टाइम 1 घंटा है, यानी कि इसको देखने के लिए आपको टोटल 8 घंटा लगाना पड़ेगा आपका। इस सीरीज को मई 2024 में नेटफ्लिक्स पे रिलीज किया गया था। एक हिंदी पीरियड ड्रामा वेब सीरीज है। इसकी कहानी आधारित है भारत की आजादी से पहले, जब लाहौर भारत का ही हिस्सा हुआ करता था और हीरा मंडी भी। सीरीज में उसी टाइम की कहानी दिखाया गया है और उस टाइम की तबाइतों की कहानी दिखाई गई है, और इसी में तबाइतों के दलाल और एक अंग्रेजी अफसर के बीच में भी प्रेम संबंध दिखाया गया है, जो कि ये रिलेशनशिप को प्रेजेंट करती है। तो इस लिस्ट में नंबर 4 पे आती है सिस्टरहुड। सिस्टरहुड को 7.8 की IMDb रेटिंग्स मिली हुई है। इस सीरीज को 2024 में TVF द्वारा प्रस्तुत किया गया था। आपको जैसा पता ही होगा कि TVF का हर एक शो बहुत ही मस्त होता है, बहुत ही कमाल का होता है। उसी तरीके से सिस्टरहुड भी बहुत ही कमाल का शो है। इसमें 4 लड़कियों की कहानी दिखाई जाती है, जिसमें से एक लड़की लेस्बियन है, उसकी भी कहानी दिखाई जाती है किस तरीके से वो लाइफ जीते हैं हाई स्कूल की। तो नंबर 3 पे आता है मर्डर इन माहिम, जिसे IMDb पे 8.1 की रेटिंग्स मिली हुई हैं। इसे मई 2024 में जियो सिनेमा पर रिलीज किया गया था। एक क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज है जहां पास क्राइम हो रहे हैं और उस क्राइम का जो कुत्ता है वो सुलझाने के लिए पुलिस जुटती है। वहां पास बहुत सारे इसके जो पहलू होते हैं वो खुलते जाते हैं और कहीं ना कहीं इसके तार LGBTQ कम्युनिटी से रिलेट करते हैं। तो आपको ये जरूर देखना चाहिए, एक क्राइम थ्रिलर LGBTQ थीम पे आधारित वेब सीरीज। नंबर 2 पे आता है LSD 2, यानी कि लव सेक्स धोखा 2। इस मूवी की ड्यूरेशन है 1 घंटा 56 मिनट, जिसे IMDb पे 4.2 की रेटिंग्स मिली हुई है, जिसे अप्रैल 2024 में रिलीज किया गया था। बात करो इस मूवी की कहानी के बारे में, तो इस मूवी में बहुत सारी कहानी है, जिसमें से 2 कहानी LGBTQ से रिलेटेड है। एक कहानी में आपको एक लड़का दिखेगा जो अपना ट्रांस सर्जरी कराता है एक अच्छा मॉडल बनने के लिए, और दूसरी कहानी एक ट्रांसजेंडर की लाइफ को दिखाएगा और उसकी स्ट्रगल को दिखाएगा। तो नंबर 1 पे आता है कृष्णा मोहिनी। कृष्णा मोहिनी एक टीवी सीरियल है, जिसे IMDb पे 9.1 की रेटिंग्स मिली हुई है। एक अच्छी खासी रेटिंग्स है IMDb पे। इसे अप्रैल 2024 में कलर्स पे रिलीज किया गया था, जिसे आप आसानी से OTT प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा पर देख सकते हो। बात करो उसकी कहानी के बारे में, तो इसकी कहानी घूमती है कृष्णा और मोहन नाम के भाई बहन के इर्द गिर्द। कृष्णा जो एक बहन है और मोहन जो एक भाई है। मोहन खुद को अंदर से कुछ और फील करता है, और किस तरीके से मोहन मोहिनी बनता है, फिर किस तरीके से कृष्णा अपने भाई जो कि बहन है उसका किस तरीके से सपोर्ट करती है, बस यही देखना है आपको इस टीवी शो में। तो ये थे टोटल 6 LGBTQ टीवी शोज एंड मूवीज जो कि 2024 में रिलीज हुए हैं। इसी तरीके की LGBTQ से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड बाय-बाय टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और लिस्ट के साथ या फिर किसी और सपोर्टिव वीडियो के साथ।